दीप्ति शर्मा की चलाकी से इंग्लैंड के अरमानों पर फिरा पानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द स्टडी हॉलिक्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड महिला बल्लेबाज चार्ली डीन को रन आउट कर दिया। चार्ली डीन बीच मैदान पर रो पड़ी और भारत ने इंग्लैंड को 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीमों के बीच शनिवार को ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए तीसरे व अंतिम वनडे का विवादित अंत हुआ। दीप्ति शर्मा ने अपने गेंदबाजी के एक्शन को बीच में रोककर चार्ली डीन को रन आउट किया और भारत को जीत दिलाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 45.4 ओवर में 169 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड की टीम 43.3 ओवर में 153 रन बनाकर ढेर हो गई। इसी के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप किया। दोस्तों, चार्ली डीन 47 रन बनाकर क्रीज पर जमी हुई थी और इंग्लैंड के लिए अकेले ही लड़ रही थी। जिस तरह से वो क्रीज पर जमी हुई थी तो लग रहा था कि टीम को जीत दिला देंगी, मगर दीप्ति शर्मा ने खेल नियम की जागरूकता का शानदार परिचय दिया और 44वें ओवर की चौथी गेंद डालते जाते समय अपना एक्शन रोककर नॉन स्ट्राइकर्स एंड की किलियां बिखेर दी। चार्ली डीन तब क्रीज से काफी बाहर थी। अंपायर भी दीप्ति शर्मा की हरकत देखकर दंग रह गए। हालांकि अंपायरों ने आपस में डिस्कस किया और तीसरे अंपायर की मदद ली, जिन्होंने इंग्लिश महिला बल्लेबाज को रन आउट करार दिया। स्क्रीन पर आउट देखकर इंग्लैंड की महिला बल्लेबाज चार्ली डीन बीच मैदान पर रोने लगी। दीप्ति शर्मा और चार्ली डीन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ लम्हों में वायरल हो गया। दीप्ति शर्मा के इस तरह से बल्लेबाज को आउट करने पर अलग अलग विचार प्रकट किए जा रहे हैं, मगर दीप्ति ने खेल के नियमों के तहत ही ऐसा किया। उन्होंने रन आउट करने में कोई गलती नहीं की। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आप इस रन आउट के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।